अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल जी। मैं वार्ड पार्षद मोहम्मद हुसैन अंसारी, वार्ड नंबर 14 नगर परिषद जोगबनी। मैं अपने वार्ड नंबर 14 के समस्त जनता को एक सूचना देना चाहता हूं और मैं जो एक प्रोग्राम में कर रहा हूं उस बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मेरे वार्ड नंबर 14 को मैंने चार भाग में या चार ब्लॉक में मैंने बांटा है। एक नंबर ब्लॉक का आपका वो सेटअप मैं बता दे रहा हूँ, यह आपको हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पड़ता है वो आपको वहाँ पर जितनी भी बस्ती है रोड से, मेन रोड से लेकर के आपको उत्तर साइड जो बस्ती है मेरी, जहाँ पे पासवान, ततमा और मुसलमान भाई लोग रहते हैं, वो आपको ब्लॉक संख्या एक है। ब्लॉक संख्या दो हो गया हाई स्कूल दुर्गा मंदिर स्थान, जहाँ पे इलियास भाई के घर से, राजा भाई के घर से होते हुए कुंदन भाई, जो हमारे कुंदन पद्दार जी हैं, वहाँ से होते हुए दुर्गा मंदिर, होते हुए गरेड़ी टोला से श्याम भैया, श्याम भगत, राइस मिल, होते हुए कमल किशोर के घर, होते हुए सचिदानंद मुन्ना चचा के घर तक, यह आपको पटरी से पश्चिम साइड जितनी भी बस्ती है ये ब्लॉक संख्या दो कहलाती है। ब्लॉक संख्या तीन कहलाती है ये जो काश्मीरा वाले पप्पू भाई जो पानी वाले हैं सप्लायर, उनके घर से लेते होते हुए राजेश शाह के घर, होते हुए नरेश यादव जी के घर, होते हुए चंदन पोदार जी के घर से, होते हुए आपको विजय यादव के घर, होते हुए महा भैया, ओम प्रकाश भैया और संतोष भाई के, होते हुए हनुमान मंदिर, भरत भाई, होते हुए हनुमान मंदिर के पीछे जितनी भी बस्ती है, और इस रोड खजवाई रोड से आपको आपको दक्षिण साइड जो बस्ती होगी वो बस्ती आपको ब्लॉक संख्या तीन कहलाती है। और ब्लॉक संख्या चार कहलाती है आपको गोविंद के जो चाय दुकान है और जगनारायण जी का जो आड़ा मिल से होते हुए रोड से पूरब साइड जो उद्गार यादव जी, बुटलाल जी, होते हुए जाकिर मारवाल जी के घर, होते हुए आपको रामानंद भैया का घर, होते हुए आपको रामविलास जी का घर, होते हुए मनोज शाह जी पूरे वार्ड पार्षद के घर, होते हुए उसके बाद प्रमोद ठाकुर के घर, होते हुए आपको यहाँ से सीधा आपको शंकर सोनी के घर, होते हुए आपको फिर शिव मंदिर से, होते हुए फिर आप रोड पे आ जाइए, रोड से आपको उत्तर साइड जो पीछे घर है वो आपको पवन यादव के घर, होते हुए राजनंदन भैया और अवधेश चचा जो है कर्मचारी साहब, शशि भैया के घर, होते हुए आपको फिर ये जाके ये गोविंद के चाय दुकान पर जा कर के ये ख़त्म हो जाती है। इस बीच जितने भी जो घर आते हैं वो ब्लॉक संख्या चार कहलाता है। ये मेरे वार्ड नंबर 14 के जो ब्लॉक चार का ये सेटअप है, आप इसको समझ सकते हैं। इस हिसाब से हर पब्लिक वार्ड नंबर 14 के समझ जाए कि किस किस ब्लॉक में कौन रह रहे हैं। उस हिसाब से अभी मैं फिर एक सेटअप तैयार कर रहा हूँ शिविर का, एक जो पेंशन से रिलेटेड जो शिविर मैं लगा रहा हूँ, वो शिविर किस किस डेट में लगा रहा हूँ उसका मैं जानकारी दे देता हूँ। अभी सबसे पहला है कि 26/7/2023 बुधवार के दिन पड़ता है ये, इसका शिविर सबसे पहले आपको ब्लॉक संख्या चार के पब्लिक के लिए है और वो आपको शिविर लगेगा। स्थान है उसका है हनुमान मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पे ये शिविर लगाया जा रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपको ये शिविर रहेगा और ब्लॉक संख्या चार के लिए। और दूसरा दिन है आपको ब्लॉक संख्या तीन के लिए, वो आपको 27/7/2023 गुरुवार के दिन ये आपको शिविर लगेगा। वही प्रांगण आपको हनुमान मंदिर का ही प्रांगण रहेगा, ये ब्लॉक संख्या तीन के लिए शिविर लगेगा। अब आ जाइए तीसरा शिविर, आप देख लीजिए। तीसरा शिविर आपको लगेगा रविवार के दिन पड़ता है, 30/7/2023 रविवार के दिन, यह आपको साहू धर्मशाला के आगे और दुर्गा मंदिर के ठीक आगे जो प्रांगण है उस प्रांगण में लगाया जाएगा। इसमें ब्लॉक संख्या दो के जनता ही इसमें आएंगे। जो तीसरा और जो लास्ट तीसरा शिविर है, सॉरी चौथा शिविर जो है, वो चौथा शिविर आपको लगेगा आपको हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जो है जोगबनी नगर परिषद का वार्ड नंबर 14 में सरकारी हॉस्पिटल के प्रांगण में लगेगा। ये आपको सोमवार के दिन पड़ रहा है और ये आपको ब्लॉक संख्या एक के जनता के लिए है। इसलिए रखा गया है क्योंकि 29 तारीख को मुहर्रम है
और 28-29 ये दो दिन गैपिंग किया गया ताकि उस दिन मुहर्रम है, मुहर्रम की वजह से सब लोग थके हुए रहेंगे, इसलिए उन लोग का जो डेट चेंज करके आपको 31 तारीख का डेट किया गया। फिर से बता दूँ 26 तारीख का डेट जो है 26/7/2023 को ब्लॉक संख्या 4 का, 27/7/2023 को ब्लॉक संख्या 3 का, 30/7/2023 को ब्लॉक संख्या 2 का और 31/7/2023 को ब्लॉक संख्या 1 का। 4 ब्लॉक का 4 डेट है, स्थान पे मैंने ही बता दिया और इस चीज़ को आप लोग समझ जाए। उस स्थान में मैं शिविर लगा रहा हूँ और इस ब्लॉक को अच्छी तरीक़ा से रिपीट करके देख ले किस किस डेट में, किस किस स्थान में, किस किस ब्लॉक को मैंने इनवाइट किया हूँ, वो वहाँ शिविर पे आके अपना फ़ायदा उठाए। अपना डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, कैसे क्या है, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, अभी मैं इसी में आगे बता रहा हूँ। इस ब्लॉक में ध्यान रखिएगा, जिसका मैं जो डेट बताया हूँ, जिस ब्लॉक का मैंने जो डेट बताया कि मैं 26 तारीख का डेट बता रहा हूँ ब्लॉक संख्या 4 का, तो ब्लॉक संख्या सिर्फ 4 के ही जनता आएंगे या 4 के ही आवेदक आएंगे आवेदन करने। ब्लॉक संख्या 3, 2, 1 उसमें कोई इंटरफेयर ना करेंगे। जिसको जो डेट समय दिया गया है वो अपने अपने डेट का इंतज़ार करें, वो अपने अपने डेट में जो स्थान है उस स्थान में इंतज़ार करें और अपने डेट के ही आधार पर वो अपना डॉक्यूमेंट लेकर के उस शिविर पर पहुँचे। चलिए अब मैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्या क्या शिविर में क्या क्या चीज़ का वहाँ पर आवेदन होगा, इस चीज़ का मैं आगे फिर जानकारी देता हूँ। जी अब मैं आपको पेंशन के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहला पेंशन है आपको सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत संचालित पेंशन योजना जो है आपको है वृद्धाजन की पेंशन योजना, यह आपको मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना है। इसमें राज्य के सभी आयु वर्ग के वृद्धाजन जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक और जिन्हें केंद्रीय राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त ना हो रहा हो, ऐसे आदमी को ये वृद्धा पेंशन आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन वाला फॉर्म भरा जाएगा, इसमें उनको दस्तावेज लगेगा, आधार कार्ड का छाया प्रति, वोटर कार्ड का छाया प्रति, बैंक खाता का छाया प्रति, फोटो 3 पीस, पासपोर्ट साइज और सहमति पत्र 1 और 2। 1 में आपको वार्ड पार्षद का उसमें साइन होना चाहिए, दूसरा में आपको बैंक का मैनेजर का सहमति पत्र होना चाहिए, फॉर्म उसमें लगा हुआ है। इसमें ये आपको प्रखंड के RTPS केंद्र में ये आपको जमा होता है, या आप तो CS साइबर कैप में भी जाके आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको प्रखंड RTPS केंद्र में ही मैं इसको जमा करूँगा। इसमें एज के हिसाब से दिया गया है, 70 से 79 वर्ष के जो वृद्ध है उनको 400 रुपया प्रतिमाह मिलेगा और 80 वर्ष से जो ऊपर है जिनका उम्र, उन्हें 500 रुपया प्रतिमाह बैंक खाते में उनके माध्यम से उनको पहुँचेगा। इसी वृद्धा पेंशन में एक और है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, BPL परिवार के 60 साल से अधिक आयु वाले के समस्त वृद्ध महिला या पुरुष उसको ये पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसमें उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड का छाया प्रति, वोटर कार्ड का छाया प्रति, बैंक खाता का छाया प्रति, BPL सूची का छाया प्रति और फोटो 3 पीस। ये भी आपको सिस्टम वही है, 60 साल से 79 वर्ष के जो वृद्ध है उनको 400 रुपया प्रतिमाह बैंक खाता में उनका जाएगा और जो 80 वर्ष से ऊपर है, अधिक है, उनको आपको 500 रुपया प्रतिमाह बैंक खाता में उनका जाएगा। ये दो आवेदन हो गया वृद्धा पेंशन का। अब आप आइए विधवा महिला पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा महिला पेंशन, BPL परिवार के 40 साल से 59 साल के आयु के समस्त विधवा महिला के लिए ही है। उसमें उनका जो आधार कार्ड को छाया प्रति उनको लगेगा, वोटर कार्ड का छाया प्रति लगेगा, बैंक खाता का छाया प्रति लगेगा और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र का छाया प्रति लगेगा और BPL सूची का फोटोकॉपी लगेगा और फोटो 3 पीस लगेगा, पासपोर्ट साइज। इसमें 400 रुपया प्रतिमाह उनको बैंक खाता के द्वारा पेंशन मिलेगा। इसी में आपको विधवा पेंशन में एक और है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, APL परिवार के
बीपीएल नहीं एपीएल, एपीएल परिवार के वैसी समस्त महिला, विधवा महिला जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपया से अधिक ना हो, जिसकी वार्षिक आय, उनको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, 60,000 से ज़्यादा ना हो, तथा बीपीएल परिवार के वैसी विधवा महिला जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। इस पे डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड का छाया प्रति, वोटर कार्ड का छाया प्रति, बैंक खाता का छाया प्रति, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची, या तो एपीएल वाले के लिए आय प्रमाण पत्र 60,000 से कम वाले का, और फोटो 3 पीस पासपोर्ट साइज। इनको भी आपको 400 रुपया प्रतिमाह विधवा पेंशन मिलेगा अकाउंट के जरिए। अब आ जाइए निःशक्तता, जो आपको विकलांग होते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, बीपीएल परिवार के वैसे विकलांग व्यक्ति जिनका बीपीएल परिवार में हो, जिनका नाम विकलांग 80% से अधिक हो, जो विकलांग का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें वो 80% से अधिक हो और उनका उम्र 18 से 79 वर्ष के बीच हो, 80 नहीं 79 याद रखिएगा, 18 से 79 वर्ष के बीच हो, जिसमें उनका दस्तावेज लगेगा, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, वोटर कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक खाता का छाया प्रति वही फोटोकॉपी, दिवंगत प्रमाण पत्र, इनका जो सर्टिफिकेट बना होगा विकलांग का वो प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी, अब बीपीएल सूची भी लगेगा इनका, अब फोटो 3 पीस। इनको भी आपको 400 रुपया प्रतिमाह बैंक अकाउंट के थ्रू हर महीना मिलेगा। उसके बाद है बिहार निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वैसे विकलांग जिनकी विकलांगता 40% एवं उससे अधिक हो, सभी उम्र एवं आय के निःशक्तता व्यक्तियों के लिए, उसमें कागज़ लगेगा, आधार कार्ड का छाया प्रति, वोटर कार्ड का छाया प्रति, बैंक खाता का छाया प्रति, दिवंगता प्रमाण पत्र वही विकलांग प्रमाण पत्र, और फोटो 3 पीस। इनको भी आपको 400 रुपया प्रतिमाह बैंक खाता के जरिए इनको मिलेगा पेंशन। अब आ जाइए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, बीपीएल परिवार के वैसे कमाऊ सदस्य जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो, उनकी मृत्यु होने पर, बीपीएल परिवार के वैसे कमाऊ सदस्य जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो, उनकी मृत्यु होने पर, कागज़ में लगेगा उनको दस्तावेज में, बीपीएल सूची का छाया प्रति, आधार कार्ड, मृतक का भी आधार कार्ड लगेगा और आश्रित जो आवेदन कर रहे हैं उनका भी आधार कार्ड का छाया प्रति लगेगा दोनों का, और मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, बैंक खाता का छाया प्रति लगेगा, फोटो आपको 3 पीस लगेगा आश्रित का, वोटर कार्ड मृतक का भी लगेगा और आश्रित का भी लगेगा, जो आवेदक कर रहे हैं उनका भी लगेगा और जो मृत है उनका भी आपको वोटर आइड का फोटोकॉपी लगेगा, और एक शपथ पत्र लगेगा जो वो कोर्ट से है, पिटीपिट होता है मजिस्ट्रेट का, उसमें वो शपथ पत्र लगेगा। शपथ पत्र के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप शपथ पत्र बनाना खुद अपने बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं, नहीं तो मेरी एक टीम है जो शपथ पत्र बनाती है, और मैं अपने पूरे वार्ड के जितने भी जो कलेक्ट होगा जितने भी डॉक्यूमेंट सबका मैं एक साथ शपथ पत्र बनाता हूँ, जिसमें जल्द से जल्द बन जाता है और उसमें कम एक्सपेंस लगता है, इसलिए आप उस शिविर में आएंगे तो बाकी उस शिविर में आपको जानकारी मिलेगा। इसमें मृतक के निकटतम आश्रित को, जिस मृतक के जो आश्रित ने आवेदन दिया उनको निकटतम, मतलब उनके जो वाइफ हो, बेटा हो, बेटी हो, जो उनके जो बहुत नज़दीकी हो जो आवेदक कर रहे हैं, मृतक के निकटतम आश्रित को एक मुश्त 20,000 रुपया का अनुदान राशि मिलेगा,
एक मुश्त आपको 20,000 रुपया का अनुदान राशि मिलता है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, परिवार के वैसे सदस्य दुर्घटना या आपराधिक घटना में जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच हो, उनकी मृत्यु होने पर उनमें जो दस्तावेज लगेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का 6 प्रति लगेगा, FIR कॉपी लगेगा, थाना से जो FIR कॉपी होता है वो कॉपी का प्रमाण पत्र लगेगा, फोटोकॉपी, आधार कार्ड, मृतक और आश्रित दोनों का आधार कार्ड का 6 प्रति लगेगा और मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा 6 प्रति, बैंक खाता का भी 6 प्रति लगेगा, फोटो आश्रित का 3 पीस फोटो लगेगा पासपोर्ट साइज, वोटर कार्ड मृतक और आश्रित दोनों का वोटर आईडी का भी 6 प्रति लगेगा। इसमें आपको मजिस्ट्रेट से आपको एफिडेविट बनेगा, शपथ पत्र इनको लगेगा, ठीक। इसमें आपको मृतक के निकटतम आश्रित को भी एक मुश्त आपको 20,000 रुपया का अनुदान राशि दिया होगा। इसमें भी वही सिस्टम है, मृतक के जो आवेदक जो करेंगे आश्रित, उनको आप एक मुश्त आपको 20,000 रुपये का राशि अनुदान मिलेगा, ये आपको अकाउंट में जाएगा। कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना, कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना, BPL परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर BPL परिवार का, याद रखिएगा जो BPL परिवार के हैं उसका किसी भी सदस्य का मृत्यु हो जाए, चाहे बेटा बेटी माँ दादा दादी, चाहे जिसका भी मृत्यु BPL परिवार में उस राशन कार्ड में जिसका नाम है वो, अगर उनका मृत्यु हो जाता है उसे आदमी को, उसमें दस्तावेज है आधार कार्ड का 6 प्रति लगेगा, मृतक का भी और जो आश्रित आवेदन कर रहे हैं उनका भी, मृत्यु प्रमाण पत्र का भी 6 प्रति लगेगा, फोटो 3 पीस लगेगा आश्रित का पासपोर्ट साइज, वोटर कार्ड आपको 6 प्रति लगेगा, इससे वोटरशिप छात्र के लगेगा सिर्फ आश्रित का, मृतक का नहीं, लेकिन आधार कार्ड आपको दोनों का लगेगा, BPL सूची लगेगा, BPL सूची लगेगा और कार्ड लगेगा, राशन कार्ड जो BPL वाला वो लगेगा। मैं एक चीज़ का इसमें आपको जानकारी दे दूं, BPL सूची मेरे पास है, जो मेरा पुराना वार्ड नंबर 4 और पुराना वार्ड नंबर 7 ये दोनों मिल करके मेरा वार्ड नंबर 14 बना है। तो मैं अपने जनता को मैं ये जानकारी दे दूं, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 4 का पुराना, इसका BPL सूची मेरे पास है और आप इसके लिए परेशान ना हो, ये सूची मेरे पास है, मैं सूची के आधार पे मैं आपको खुद उनका जीरोक्स में फोटोकॉपी करा के मैं उसमें ऐड कर दूंगा। आप उसमें आप सिर्फ ये दर्शा देंगे कि मैं BPL सूची में, मेरा यह राशन कार्ड आप दिखाएंगे, उसके आधार पे मैं वो सूची निकाल के इसमें लगा दूंगा। मृतक के निकटतम आश्रित को दाह संस्कार के लिए या कफन दफन के लिए एक मुश्त 3,000 रुपये का अनुदान राशि दिया जाता है। इसमें मैं एक चीज़ और जानकारी दे देता हूँ, जब से मैं शपथ लिया हूँ January 1, 2023 से, इस समय के बाद जो डेट किए हैं BPL परिवार के जो भी सदस्य, कृपया मैं उसी का ही मैं आवेदन भर सकता हूँ। मेरे शपथ ग्रहण या मेरे यानी कि नवनिर्माण में भी वार्ड पार्षद जब बना हूँ, उससे पहले अगर किसी का जो January 1, 2023 से पहले कोई अगर डेट किए हुए होंगे BPL परिवार का, मैं उसका नहीं भर पाऊँगा। लेकिन January 1, 2023 से अगर किसी का अंदर में किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ है BPL कार्ड के आधार पे, मैं आप लेकर के आइए और ये सब डॉक्यूमेंट जो मैं बताया हूँ लेकर के आइए शिविर में, मैं आपको फॉर्म भरूँगा, फॉर्म मेरे पास है और उसका मैं जो पेमेंट है उसके अकाउंट में वो पेमेंट जाएगा। इसमें दो चीज़ और है, मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, दो अन्य जातियों के बीच अंतरजातीय विवाह करने वाले पुरुष या स्त्री को दे होगा। दो जाति के जो अंतर जो शादी होती है, अंतरजातीय विवाह करने वाले पुरुष या स्त्री को, इसमें उसका जो कागज लगेगा दस्तावेज, आधार कार्ड का 6 प्रति, वोटर कार्ड का 6 प्रति, बैंक खाता का 6 प्रति, संयुक्त फोटो दोनों का, पति पत्नी दोनों का एक साथ का जुड़ा हुआ फोटो होना चाहिए 3 पीस। संयुक्त फोटो का मतलब हो गया पति और पत्नी दोनों एक साथ बैठ करके फोटो खिंचाए, दोनों एक साथ का फोटो होना चाहिए 3 फोटो।
3 जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो आवेदक कर रहे हैं उनका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और विवाह निबंधन प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो विवाह निबंधन पत्र जो है वो आपका नगर परिषद जोगबनी में आवेदन होता है, आप वहाँ जाए और वहाँ जा कर के वहाँ बोलिए कि मुझे विवाह निबंधन प्रमाण पत्र मुझे भरना है और वहाँ से वो आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आप वहाँ ले करके कृपया आप वहाँ पे भर करके फिर विवाह निबंधन पत्र बनाना होगा। और जाति और निवासी को जो है आजकल आपको पता ही है जो वही नगर परिषद में RTPS में ही आपको ये केंद्र खुला है। पिछले बार मैंने आपको YouTube में भी डाला था, अपनी प्रथम जो वही नगर परिषद में जो RTPS केंद्र खुला है वहाँ से जाति निवासी और आय ये तीनों चीज़ आसानी से बन सकता है। सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके जाना है, वहाँ खिड़की पे आवेदन करना है, 10 बजे से लेकर के आपको 3 बजे तक वो केंद्र खुला रहता है, आपको जा करके आवेदन करना है, सिर्फ रविवार के दिन बंद रहता है। तो वहाँ पर आवेदन करें, उसमें जो आपको जो एक रिसीविंग मिलता है वो रिसीविंग मुझे दे और उसके हिसाब से आवेदन किया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र शैक्षणिक मतलब एजुकेशन जन्म प्रमाण पत्र इसमें दिखाना होगा, मतलब जो एजुकेशन जन्म प्रमाण पत्र आपका जिसमें जो सर्टिफिकेट मैट्रिक या कोई भी सर्टिफिकेट हो जिसमें उसे डेट ऑफ बर्थ लिखा हो वो सर्टिफिकेट का चाहिए। वर वधु दोनों का एफिडेविट चाहिए मजिस्ट्रेट से, वर वधु जो है दोनों पति पत्नी दोनों का आपका यानी कि शपथ पत्र चाहिए एफिडेविट। एक फॉर्मेट है मेरे पास विवाह दर्ता मेरे पास कन्या विवाह योजना का, वो फॉर्म मेरे पास है, उस फॉर्म में सब चीज़ लिखा हुआ है और एफिडेविट भी आपको दोनों कराना है। इसमें आपको सरकार जो है इस योजना अंतर्गत 1,00,000 रुपया प्रोत्साहन अनुदान के रूप में 3 वर्षों के लिए सावधि जमा के माध्यम अनुदान राशि दे है, 1,00,000 रुपया। फिर से सुन लीजिए, इस योजना अंतर्गत 1,00,000 रुपया प्रति प्रोत्साहन अनुदान के रूप में 3 वर्षों के लिए सावधि जमा के माध्यम अनुदान राशि दे है, ठीक। मुख्यमंत्री निःशक्तता विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, दिव्यांग स्त्री मतलब जो विकलांग महिला है, जो स्त्री है जिसका उम्र 18 या उससे अधिक, दिव्यांग पुरुष मतलब विकलांग पुरुष उम्र जिसका 21 साल हो, महिला की उम्र 18 साल से अधिक और पुरुष का उम्र 21 साल से अधिक, जिसका जो सर्टिफिकेट जो विकलांग का बना होगा 40% से अधिक स्त्री पुरुष का लाभ का ये देय है। इसमें आपको उनका डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, वोटर कार्ड का वही छाया प्रति, बैंक खाता का छाया प्रति, संयुक्त फ़ोटो एक साथ फैमिली का पति पत्नी का एक साथ का जुड़वा फ़ोटो चाहिए 3 पीस, उनका भी निवास प्रमाण पत्र लगेगा पति पत्नी का और विवाह निबंधन जो प्रमाण पत्र है, ऐसे मेरे पास फॉर्म है अवेलेबल, आप वहाँ आएंगे तो उस फॉर्म को भी आप भर सकते हैं, भर करके उसको आपको यानी कि वो मेरे जरिए वहाँ पर जमा हो जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं उसके बारे में बताता हूँ। और जन्म प्रमाण पत्र शैक्षिक नहीं चाहिए दोनों का, और शपथ पत्र आपको वर वधु दोनों का एफिडेविट जो होता है मजिस्ट्रेट से वो आपको होगा। अगर आप शिविर में आएंगे तो वहाँ एक फॉर्म है, उस एफिडेविट को फॉर्म में साइन कर देंगे, फिर वो मैं अपने तरीके से बनवा लूँगा। इसमें भी आपको स्त्री या पुरुष में से एक व्यक्ति को, मतलब अगर आप अगर स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी एक को विकलांग होना जरूरी है, इस योजना का जो लाभ उसे ही मिलेगा जिसमें महिला या पुरुष दोनों में से एक आदमी विकलांग होना चाहिए, इस योजना को उसको लाभ मिल सकता है। स्त्री या पुरुष में से एक व्यक्ति निःशक्ता होने पर इस योजना अंतर्गत 1,00,000 रुपया प्रोत्साहन अनुदान के रूप में 3 वर्षों के लिए सावधि जमा के माध्यम से अनुदान किया जाता है। इसमें बहुत सारा चीज़ है और बहुत सारा इसमें आपको है, और इसमें एक आपको एक और चीज़ है, मुख्यमंत्री समर्थ योजना, मुख्यमंत्री समर्थ योजना, इसमें 40% या उससे अधिक के दिवंगत व्यक्ति जो BPL अंतर्गत आते हैं जिनकी वार्षिक आय 1,00,000 या उससे कम हो तथा आयु 14 साल से अधिक हो। फिर से सुने इसके बारे, 40% विकलांग का सर्टिफिकेट हो, इससे अधिक के दिवंगत व्यक्ति जो BPL अंतर्गत आते हो, जिनकी वार्षिक आय जिनका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए 1,00,000 रुपया से कम हो और उनका आयु 14 साल से अधिक हो। उसमें दस्तावेज लगेगा विकलांग प्रमाण पत्र जो 40% से ऊपर हो, BPL कार्ड, BPL सूची और आय प्रमाण पत्र जो 1,00,000 के नीचे हो।
और आधार कार्ड का छाया प्रति, विहित प्रपत्र फोटो सहित। मतलब वो जो फोटो जो है विहित प्रपत्र फोटो सहित जिसमें सर्टिफिकेट में फोटो लगा हुआ है उनका, इनको क्या क्या लाभ सरकार दे सकती है ये सब होने से? इनको ट्रायल साइकिल मिलेगी, श्रवण यंत्र मिलेगा, व्हील चेयर मिलेगा, बैसाखी मिलेगा, कृत्रिम अंग मिलेगा, मोटराइज ट्राइसाइकिल मिलेगा आदि, विकलांग हेतु आवश्यक उपकरण मिलेगा। ये सब चीज़ आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपको गवर्नमेंट ये सब फैसिलिटी देता है। तो ये सब मैंने अब तक यहाँ पे मैंने यही चीज़ मैंने बताया, और इसमें बाकी जो जानकारी है फिलहाल यही जानकारी है। इतना इतना शिविर मेरे पास रहेगा, और शिविर में सभी का जो आवेदक का जो जितने भी आवेदन फॉर्म है वो सब फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है। मैं उसे बहुत मेहनत से और कंटिन्यू एक दो महीना से मैं इस शिविर के लिए मैं कंटिन्यू मेहनत कर रहा था, और मैंने इस शिविर के आधार पे जानकारी लेके जिला में भी गया, मैं जिला से भी मैंने जानकारी लिया, दस्तावेज लिया, फॉर्मेट लिया, सबको मैं कंटिन्यू एक शिविर के लिए मैं सेटअप कर रहा था। और आप लोग के जनता लोग के आशीर्वाद से और आप लोग के जो धैर्य और प्लस जितने मैंने कमेंट करके मुझे ने सलाह मशवरा दिया, जो मेरे डॉक्यूमेंट में हमेशा राय मशवरा दिए कैसे क्या करना है, तो उस हिसाब से मैंने ये फॉर्मेट भी सबका मैं उपलब्ध कर लिया हूँ, और सभी का फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है। आप जो भी आएंगे मेरे शिविर में, उस शिविर में डेट के हिसाब से आप आए, उस डेट में वो शिविर पर वो फॉर्म अवेलेबल रहेगा। जिसके पास ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैं आज मैं रविवार के दिन में ब्लॉग बना रहा हूँ, सोमवार और मंगल दो दिन का टाइम मिलता है आप लोग को, जो आपको 26 और 27 का शिविर होगा, उसके बाद 30 और 31 का शिविर होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास अभी अवेलेबल है वो सब डॉक्यूमेंट लेकर के आप पहुँचे। दो दिन के अंदर अगर बन जाता है तो दो दिन के अंदर आप बना लें जल्द से जल्द, क्योंकि सोमवार और मंगल आपको दोनों दिन आपका इनकी केंद्र खुला हुआ है, हर जगह आप जाकर बना सकते हैं। जाति आय निवासी का आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एफिडेविट खुद बनाना चाहते हैं तो आप खुद बना सकते हैं। अगर आप मेरे शिविर के जरिए बनाना चाहते हैं जो कम खर्च में बनेगा, आप मेरा एक मुश्त आप दे करके, आप मतलब है कि आप मेरे शिविर में आकर के आप आवेदन कर सकते हैं। वह एफिडेविट हम आपको खुद कोर्ट से करा के ला के दे देंगे, मेरा टीम है वो करवा देगा। बाकी ये सब प्रोसेस है, आप आए, आवेदन मेरे पास वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, आप आए, आवेदन पत्र वहाँ मिलेगा। और मैं और भी एक बात कहना चाहता हूँ, ये मेरे जो शिविर लगा रहा हूँ ये सिर्फ वार्ड नंबर 14 के जनता गण के लिए ही है। अदर वार्ड जो है, जो मेरे आसपास जो 2700 वार्ड जो है, वो उनके जनता गण से मैं अनुरोध करता हूँ, और उनके जो वार्ड पार्षद है हमारे चेयरमैन साहब और VC साहब से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया जो मैं पहल कर रहा हूँ और आप लोग थोड़ा उसके लिए सपोर्ट करें मुझे, और मुझे आशीर्वाद दें और मुझे मार्गदर्शन दिलाएं। और इस तरीका से अगर कोई शिविर के लिए जो मेरे वार्ड पार्षद, जो मेरे साथी भाई बहन, मेरे जितने भी वार्ड पार्षद लोग हैं, इस तरीका से अगर हमसे कोई सहयोग मुझसे चाहिए या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए या अगर कोई राय मशवरा चाहिए तो मुझसे आप बात कर सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हर वार्ड के लिए जिस तरह मैं शिविर लगा रहा हूँ उसका एक आपको प्लानिंग चार्ट आपको दे दूँगा, उस हिसाब से आप अपना ही वार्ड में शिविर लगाए। इससे क्या है क्या कि हम लोग मिल के अगर काम करते हैं तो आने वाला दिन में हर वार्ड में आपको जो समस्या है, जो निहायत जो ज़रूरी समस्या सब है, वो सब समस्या का निवारण हो जाएगा। और बाकी हमारे चेयरमैन साहब VC साहब का भी बहुत सपोर्ट रहेगा, और हर जगह उनका ज़रूरत पड़ता है हम लोग को, और हम लोग भी उनको लेकर चलना चाहते हैं। और मैं अपने शिविर जब ओपनिंग करूँगा, मैं अपने चेयरमैन साहब VC साहब को भी बुलाऊँगा उसके लिए, या मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उसमें कम से कम मुझे कमेंट करें, मेरे इस राय को सराहना करें, या इसमें कुछ कमी बेसी है तो उसके लिए मुझे मार्गदर्शन करें। और मैं जो डेट रख रहा हूँ बुधवार के दिन, मैं अपने VC साहब और अपने चेयरमैन साहब, VC साहब और चेयरमैन साहब दोनों को मैं आमंत्रण करना चाह रहा हूँ वीडियो के जरिए। ऐसे में कॉन्फ्रेंस में वीडियो से मैं फ़ोन से भी मैं उनसे बात करूँगा, और वहाँ के जो मेरे गणमान्य जो है, आपको ब्लॉक संख्या 4 ब्लॉक संख्या 3 के जो गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, कम से कम वो फलाना जो टाइमिंग मैंने रखा 9 बजे, मैं 8:30 बजे मैं वहाँ पर रहूँगा, आकर के थोड़ा सा आप लोग उस शिविर का उद्घाटन करें, एक छोटा सा बात होगी। हमारे चेयरमैन साहब VC साहब भी आएंगे, वहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी आए, और उससे मैं फ़ोन से भी मैं कहूँगा, सबके इतला करूँगा, और आप लोग का सहयोग मिलने से मेरा ये कार्यक्रम बढ़ेगा। और इसको देखे देखे हर वार्ड में इस तरह का जागरूक एक तरह का अभियान होगा, ताकि हर वार्ड में हर वार्ड पार्षद अपने अपने वार्ड में जागरूकता फैलाए और वहाँ के जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनको पहुँच सके।
ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और बाकी मैं इसी बात पे मैं अपनी बात को विराम करता हूँ, और मेरे इस वीडियो को जल्द से जल्द देखें। मैं अभी तुरंत थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बहुत सारा सेटअप करना पड़ा फॉर्मेट का, हर चीज़ का, इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ ब्लॉग डालने में। मैं अपने इस ब्लॉग को मैं डाल दिया हूँ, और इस तरीक़े से अगर कोई जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर सबके पास है, आप हमसे बात कर सकते हैं। और मेरा एक ब्लॉग है हुसैन HUSSAIN हुसैन VLOGS ब्लॉग्स 77, अगर आप इसको आप डाउनलोड करेंगे ये लिंक इसको करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मेरा हुसैन ब्लॉग आ जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटा है घंटी उसको आप दबा दें ताकि हमेशा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ये मेरा ब्लॉग है, इसको आप देख सकते हैं और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चलिए मैं इसी बात पे अपनी बात को विराम करता हूँ। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।